बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक परिवार ने दारोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दारोगा ने किसी मामले का समझौता कराने के लिए उनसे रिश्वत मांगी। रिश्वत देने में असमर्थता जाहिर करने पर दारोगा ने परिवार को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी। वहीं पूरे मामले से परेशान पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बेचने का बोर्ड लगाया। बदमाश रहता है और मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ उससे। मैं अपना मकान बनवा रहा था, लिहाजा उसने मतलब ऐसी मुझे दिक्कत पैदा कर दी कि मतलब जो है वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी मदद के लिए अपनी एप्लीकेशन लेके दरोगा प्रदीप कुमार साहब के पास गया और उनसे मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि सर मेरा मामला निपटवा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है भी 50,000 रुपये मुझे देना होंगे और 32,000 रुपये तुझे उसको देना पड़ेंगे, तू अपने पड़ोसी को देगा तब तेरा मामला निपटेगा। मैंने साहब अपने बच्चों का माल जेवर बेच के सो साहब मतलब उसको मैंने पैसे दे दिए दरोगा प्रदीप कुमार को और 32,000 रुपये दरोगा जी ने उसको भी दिलवा दिए। और उसके बाद भी सर आज अब से 8 दिन पहले सर मुझे बहुत ही परेशान कर दिया उन्होंने और वो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये दे सबने। तो मैंने कहा सर 10,000 रुपये मैं कहाँ से दूँ, मैंने तो आपको 50,000 रुपये दे चुका हूँ सर, अब कहाँ से मैं आपको पैसे दूंगा। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ सर, अब इतना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं, इसका कहना जवाब नहीं। वो कह रहा है वो पैसे जो तूने दिए थे वो पैसे स्टाफ में बढ़ गए। मैं बहुत ही परेशान हो गया सर, मैं अब कहाँ से उनको पैसे दे सकता हूँ। इसकी शिकायत एसओ साहब से कहा, एसओ साहब से भी मैंने कहा, अपने शेरगढ़ के चेयरमैन साहब है उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने उस पर मतलब जो बातचीत की है समझे दरोगा मतलब जो है एसओ साहब से चेयरमैन साहब ने, वो फिर भी उतने पे भी सर वो दरोगा जी नहीं मान रहे मेरी, यहाँ बहुत ही परेशान कर दिया। मैं बच्चे भी मेरे इस टाइम दहशत में है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ सर इस टाइम। तो ये बोर्ड लगाया है ये, मैं हाँ ये बोर्ड सर मैं इसको मकान को बेच के यहाँ से जा रहा हूँ समझे, वो 8 दिन हो गए लगा सर। मैंने उनसे फिर ये भी कहा कि 10,000 रुपये मैं नहीं दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि अभी मुहर्रम वाले मामले में ये तार काटे गए हैं बत्ती के, उसमें तो ये उठा के जेल भेज दूंगा समझे झूठे मुकदमे। मैंने सर मैं अपना मकान बेच के यहाँ से चला जा रहा हूँ। दरोगा जी क्या धमकी दे रहे हैं, क्या दरोगा जी धमकी दे रहे हैं कि मैं तार कसेंगे उसमें बत्ती वाले मामले में तार जो कटे हैं उसमें तेरे अज्ञात में नाम बढ़ा के तुझे जेल भेज दूंगा झूठे मुकदमे में, तूने 10,000 रुपये नहीं दिए मुझे तो समझे। 10,000 काहे की मांग रहे हैं, तो वो इसी बात की मांग रहे हैं कि मतलब जो है वो उन्होंने कह रहे हैं वो तो मैंने मेरी मिठाई अलग से दे दूं, वो तो 50,000 जो तूने दिए हैं वो तो स्टाफ में बढ़ गए, अब 10,000 मिठाई के दे तू मुझे अलग, मैंने तेरे काम में बहुत मेहनत करी है। तो मैंने सर आपने मेहनत करी है तो मैंने 50,000 दे तो दिए आपको, 10,000 मैं कहाँ से दूं, मैं तो सब कुछ बेच बाज कर आपको 50,000 आपको दे दिए, 32,000 मैंने उसको दे दिए। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ सर। मैं एक परिवार पलायन कर गया है, बताया जा रहा है उसने मकान पर बोर्ड लगा दिया है मकान बेचने का, क्या मामला है पूरा और क्या बनी सत्य कार्रवाई? ये गुलाम गौस नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी कि खनी ग्राम का आदमी उसके मकान पर कब्जा करना चाह रहा है। उसने आरोप लगाया कि जो दरोगा जी उससे पैसे लिए और अभी और पैसे मांग रहे हैं फैसला कराने के, तो इसकी जांच सी ओ डी कर रहे हैं, जल्दी जांच मंगा कर जो आवश्यक कार्रवाई करें।